हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इवनिंग वॉक पे आए हैं। वैसे डेली तो हम लोग नहीं आ पाते हैं, बस आज ही आना हुआ है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑफ था, नहीं ऑफ नहीं था, नाइट शिफ्ट था कल। तो इनका जब भी नाइट रहता है तो नाइट के बाद इनको ऑफ मिलता है, तो इसलिए आज घर पर थे तो पॉसिबल हो सका इवनिंग वॉक करके आना। और तो थोड़ा सा लेट हो गया है पर कोई बात नहीं, चलता है। वैसे भी घर जाकर कोई जल्दी खाना वाना बनाना रहता नहीं है, हम लोग को खाने का एक फिक्स टाइम रहता है। तो हम लोग अभी भी घूम सकते हैं, अभी हम लोग पास एक एक घंटा का टाइम है। और वैसे भी ये जो रोड है ये एयरपोर्ट रोड है, वैसे तो ये काफ़ी बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इवनिंग वॉक करने। शायद एक यही एरिया होगा उनके लिए इवनिंग वॉक के लिए, तो लोग कार से आते हैं, बाइक से आते हैं दूर दूर से, फिर यहाँ आसपास अपना व्हीकल को पार्क करके और फिर किसी रोड में वो लोग वॉकिंग करते हैं। तो मतलब 9 बजे तक यहाँ पे लोग इवनिंग वॉक वाले देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपसे थोड़ा देर बाद मिलती हूँ। ये देखिए, अभी मतलब इतने एक के बाद एक बैक टू बैक इतने सारे गाड़ी आ रहे हैं ना, अभी हम लोग को आगे जाके क्रॉस करना रहेगा, तो मैं क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो स्ट्रीट लाइट है ये 5 बजे ही इनको जला दिया जाता है, मतलब कि 5 बजे तो ज़रूरी नहीं रहता है ना, बहुत रोशनी रहता है तो ये 5 बजे ही जल जाते हैं, और सुबह 6-7 बजे तक जलते रहते हैं। कई बार जब मैं मॉर्निंग में आती थी ना मॉर्निंग वॉक करने, तो सूरज निकल जाता था लेकिन ये लाइट जो है जलते रहते थे, इनको कोई बंद नहीं करता था। ये सारे जो जितने भी गाड़ियाँ आ रहे हैं ये सारे एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं, और मैक्सिमम लोग जो इस टाइम पे आ रहे हैं वो ज़्यादातर ये एयरपोर्ट पे वर्किंग रहते हैं, वही लोग हैं। अभी उनका ऑफ हुआ होगा तो अभी अपने अपने घर जा रहे, और जो नाइट शिफ्ट वाले हैं उनको अभी रिपोर्ट करना है तो उनको अभी ऑफिस पहुँचना है अपने। ये बहुत दिन से यहाँ पर पड़ा है, ये इधर ना यहाँ पे घास को कटिंग किया गया है, लेकिन कटिंग करके इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है किनारे किनारे कि ये सब जो है सड़ के अपने आप वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको साफ कर दिया जाता ना, रोड से थोड़ा सा हटा दिया जाता तो और भी अच्छा लगता, क्योंकि ये सब अभी सड़ जाएंगे तो सड़ने के बाद फिर इसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा ही करते हैं। घूमते घूमते काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग, और मतलब इससे भी आगे जा सकते थे पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था, तो और चाय भी हम लोग यहीं से पी करके जाने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए पीछे चाय का टपरी है छोटा सा, यहाँ पे बैठ के चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा घास फूस से बना हुआ है जो भी छत है, और बिल्कुल मतलब खुला खुला इन्वायरमेंट है तो बहुत अच्छा लगता है। घर जा करके क्या है कि अभी यहाँ से घूम करके जाएंगे ना तो बहुत इधर तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही घर में इंटर करेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा तो चाय पीने का मन नहीं करेगा। लेकिन इवनिंग चाय मैं कभी मिस नहीं करती, इसलिए मैं जा रही हूँ चाय पीने। ये देखिए यहाँ पे मेरे पीछे टी स्टॉल है छोटा सा, और अभी हम लोगों ने ना चाय के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे ऑर्डर देना पड़ता है क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आते नहीं है ना, तो बना के पहले से नहीं रखते हैं। अभी हम लोग आए हैं तो हमने बोल दिया बनाने के लिए, तो इधर बन रहा है टी, और वैसे भी अच्छा है ना, हमको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा इधर बाहर खुली हवा में। मेडक बना देते थे तो सामने एक वो रखते थे जलेबी और ऐसा कुछ कुछ आइटम रखते थे, तो वहाँ ऐसे ऐसा उछल उछल के जाते थे। कुछ हाय करो ना, हाय हाय कर दो। रोशनी में रखो यार चाय को, दो ना यार रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए हमारा चाय आ गया यहाँ पे, और मुझे ना ये जो कांच वाला ग्लास है ना, इसको पकड़ने में मेरा हाथ जल गया था कल, तो भैया ने मुझे अलग से डिस्पोजल भी दे दिया है, लेकिन चाय इतना सारा है इस डिस्पोजल में आएगा ही नहीं, पर फिर भी मैंने ले लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हाफ हाफ करके मैं इन्हीं में ले करके पीऊँगी चाय को। ये देखिए यहाँ पर ना बहुत अच्छे से सजाया गया है, बिल्कुल वो नारियल का जो सीख रहता है उसी से सजाया गया है इसको अच्छे से, और साइड साइड में उधर लाइट्स लगा दिया गया है,
बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। चाय बहुत ही टेस्टी है, मतलब कल मैंने पिया था, अभी मास्क उतारूंगी लेकिन जब चाय मेरा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब। ये था मेरा आज का व्लॉग। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।